वो दिन याद करें। जी हाँ, जेके न्यूज़ टुडे एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा है खास आपके लिए। इसमें हम जम्मू कश्मीर के कुछ प्रसिद्ध हस्तियों को आपसे मिलाएंगे, जो अपनी जीवन की यादों को हमारे साथ साझा करेंगे। यूँ तो जर्नलिज्म को लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है। जर्नलिज्म अब सिर्फ लेखनी तक सीमित नहीं रह गया, फोटो जर्नलिज्म और वीडियो जर्नलिज्म भी इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसी सीरीज़ में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जम्मू के एक प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट मुकेश गुप्ता जी से। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जेके न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, जर्नलिज्म बाय चांस की शुरुआत हुई या बाय चॉइस था ये आपके लिए? जर्नलिज्म जो था वो मेरा हॉबी था। तो जैसे बचपन से ही मेरे को एक हॉबी थी कि मैं फ़ोटो जर्नलिज्म के साथ जुड़ना चाहता था, और सबसे पहले मैंने एक छोटा कैमरा लिया तो उससे मैं घर पे ही पिक्चर शूट किया करता था, और जब मैं वो पिक्चर डेवलप करवाता था तो मेरी पिक्चर्स बहुत अच्छी होती थी। तो उसके बाद मैं अपना फ़ोटोग्राफी का एक कोर्स किया, तो 1997 में मैं स्टेट टाइम्स में मैंने अप्लाई किया, तो सडनली वहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो उसके बाद चलता रहा, दो साल तक मैं स्टेट टाइम में रहा, उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस में आ गया। एक साल तक मैंने इंडियन एक्सप्रेस में काम किया, 2001 में मैं हिंदुस्तान टाइम के साथ आ गया था। तो उसके बाद वहाँ पे अच्छे गुरु, अच्छे लोग मिले, बीनू मैम, जोशी सर, और जिन्होंने इंटरनेशनली मुझे इतना एक्सपोजर दिलवाया, जैसे कि बीबीसी के लिए मुझे असाइनमेंट्स मिलनी, एपी के लिए मैं काम करता था, फिर मैं रॉयटर्स के साथ शुरू हो गया, और जब मैं रॉयटर्स के साथ शुरू हुआ तो मेरा काम बहुत आगे छपता था, जैसे न्यूयॉर्क टाइम में, वाशिंगटन पोस्ट में, टाइम मैगज़ीन में, बीबीसी में, बहुत सारे इंटरनेशनल हाउसेस में मेरा काम छपता था। सर, शुरू में आपने हेजिटेशन फील हुई या कुछ डर लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली उसमें यह था कि जो हमारा डे वन था, जब मैं जर्नलिज्म में आया तो मुझे लगा पता नहीं कैसे क्या होगा, नया एक्सपीरियंस था, नया फील्ड था। तो जैसे मेरी आई स्टिल रिमेंबर की जो मेरी पहली पिक्चर थी वो फ्रंट पेज पे छपी थी, जैसे वो फ्रंट पेज पे छपी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो 0 से 100 पे आ गया था। तो उसमें बहुत इंजॉय किया इसमें, और सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि मेरे को जैसे मैं सीख रहा था काम, लेकिन मैं शाम को जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उनको मैं ज़रूर देखता था कि उसमें क्या छप रहा है, किस तरह से छप रहा है। ठीक है, जो पिक्चर्स वहाँ पे छपती थी मैं देखता था जम्मू में क्या पॉसिबिलिटी है वैसी पिक्चर्स की, मैं कोशिश करता था सेम पिक्चर नहीं बट उसके मिलते जुलते जो पिक्चर्स हैं वो जम्मू से निकालूं, और वो पिक्चर्स निकलती थी, और जब वो पिक्चर निकलती थी लोग अप्रिशिएट करते थे, और जब आपको कोई अप्रिशिएट करे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। आपके लाइफ के लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स क्या थे? मैम, लाइफ में हाई पॉइंट जो थे कि जब मैं एक पिक्चर शूट करता था वो पिक्चर मेरी वर्ल्ड के बेस्ट न्यूज़पेपर्स में छपती थी, लाइक वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, टाइम मैगज़ीन, और वो एक पिक्चर जो थी आपके पता नहीं कितने हज़ार बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में छपती थी, और जब आपको एप्रिसिएशन बाहर से आती थी, बहुत सारे लोग मेल्स करते थे कि बहुत अच्छा काम है, तो वो एक तो ये था। और दूसरा नंबर मेरा एक द रस्टिक लद्दाख कश्मीर एंड जम्मू कॉफ़ी टेबल बुक आई थी। तो लो पॉइंट्स आप किने कहेंगे? मैम, जर्नलिज्म में कोई भी लो पॉइंट नहीं होता है। जर्नलिज्म जो बंदा प्लस माइनस लो और हाई में जाए वो जर्नलिज्म कर ही नहीं सकता। जर्नलिज्म में जो आपका लो पॉइंट भी होता है उसको भी आप इंजॉय करो और एक्सपीरियंस समझ के उसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। सबसे चैलेंजिंग फेस कौन सा रहा आपके लिए? मैम, सबसे चैलेंजिंग फेस बहुत सारे आए कि कुछ ऐसा होता था, जैसे कासिम नगर में एक इनकाउंटर हुआ था तो दोनों साइड से फायरिंग हो रही थी और हम लोग बीच में फंस गए थे, और उसके बाद वहाँ से हम बाहर निकले, उसके थोड़ी देर के बाद रघुनाथ मंदिर में शाम को अटैक आ गया था, मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया था।
तो वहाँ पे सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो थी कि हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर खड़े थे, तो जैसे वो रघुनाथ मंदिर के मेन गेट के अंदर एंटर किए, सडनली उनको फायर लग गया और वहीं पे ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी, और वो बहुत बुरा टाइम था। फोटो जर्नलिज्म में आपको कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिला? मैम, फ़ोटो जर्नलिज्म में तो बहुत अच्छी अच्छी जगहें हम पे, जम्मू कश्मीर लद्दाख तो बहुत घूमे हैं। इनफैक्ट गुलाबगढ़ बॉर्डर जो है वो हमें आज जाने को मिलता है। हम उस टाइम पे गए थे जब रोड भी नहीं थी, बीनू जोशी मैम और मैं, हम लोगों ने बहुत मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे थे। तो ऐसे ऐसे एरियाज़ में गए थे जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर लद्दाख तो मैं पूरा घूम ही चुका हूँ। उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ था दिल्ली में, तो उसमें मुझे एक मौका मिला था कवर करने का। और उससे पहले मुझे अयोध्या वर्डिक्ट था, तो जम्मू से स्पेशली मुझे बुलाया गया कि आप वहाँ कवर करने जाओगे। तो इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स में मैं घूम चुका हूँ। सर, तब टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, आपके पास सोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो जब आप अपनी वीडियोस या कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपनी सेंड करते तो क्या क्या मुश्किल आती थी तब उन दिनों में? मैम, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे तब टाइम, काम करना बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो जैसे 2000 कारगिल बार के इमीडिएट बाद मैं और अरुण जोशी साहब हम कारगिल गए, तो वहाँ पे स्टोरी तो जोशी साहब फ़ोन पे लिखवाते थे, तो जब मुझे पिक्चर्स भेजनी होती थी बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, क्योंकि उन दिनों ना सीडी होती थी ना स्कैनर होता था, और बस एक ही चीज़ थी कि आपको स्कैन करके नेट के थ्रू भेजना है। और कारगिल में तो तब पूरा कारगिल जो था वो तबाह था, तो हमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ आई, हम वहाँ से पिक्चर्स नहीं भेज पाए। और मुझे याद है कि कुछ पिक्चर्स का प्रिंट बना के मैंने ले भेजे थे, ले से हमने बाई एयर दिल्ली भेजे और वो प्रिंट हुए थे। तो वैसे ही जैसे हमारे पास रजौरी पुंछ या डोडा भद्रवाह था, आए दिन जहाँ पे मिलिटेंट अटैक होते थे, जब मिलिटेंट अटैक होते थे तो हमें कवर करने जाना पड़ता था। तो जैसे हम वहाँ पे जाते थे तो हमें ऐसा होता था कि सुबह हम शूट करते हैं और शूट करने के इमीडिएट बाद हम वापस आते थे जम्मू, जम्मू आके उसको पिक्चर्स को फाइल करना, फिर नेक्स्ट डे उठ के हम वहाँ पे जाते थे पुंछ में या रजौरी में या भद्रवाह में। जैसे 2005 में अर्थक्वेक हुआ था, तो वहाँ पे मुझे याद है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पिक्चर शूट करके जम्मू फाइल करने के लिए आ रहा था, और वो इंटरनेट के चक्कर में, वहाँ इंटरनेट था नहीं, तो जैसे मैं अखनूर क्रॉस किया तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इस तरह की डिफ़िकल्टीज हमें आती थी। सर, कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज भी याद करके आपके चेहरे पे मुस्कान आती है? मैम, मुझे याद है कि हम लोग एक स्टोरी करने गए थे। स्टोरी में क्या था कि एक पेड़ था, और उस स्टोरी की खासियत ये थी कि राजा जो थे वहाँ पे अगर किसी को उस पेड़ से फांसी लगाते थे तो उस पेड़ की एक टहनी काट देते थे। तो मुझे लगा ऐसे ही स्टोरी होगी और हम लोग चले गए, और जैसे मैंने उस पेड़ को देखा ना, उधर बहुत सारी टहनियाँ कटी हुई थी। तो ईमानदारी से मैम, उस पेड़ के पास जाने का दिल नहीं कर रहा था, बहुत डर लग रहा था, और साथ में डर के साथ साथ एक अजीब सा खुशी भी हो रही थी कि यार ये स्टोरी सही है। तो वो मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सीन था, जो जिसको देख के हंसा भी और रोया भी, वो एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। सर, उस टाइम पे कैमराज आपके जो प्रोजेक्ट्स होते बहुत हेवी हुआ करते थे, आजकल तो डिजिटलाइज हो गया सब कुछ, कैमराज भी छोटे हो चुके हैं, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें कैरी करने में कितनी प्रॉब्लम होती थी जब आपको दूर स्टोरी पे जाना पड़ता था? मैम, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी, कैमरा कैरी करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि अगर हम फिल्म के रोल 4 लेके जाते हैं तो वहाँ पे 8 लग जाते थे। सबसे जो डिफ़िकल्टी हमारे लिए थी कि वहाँ पे अगर हम शूट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के शूट करना होता था कि कहीं फिल्म के रोल ख़त्म नहीं हो जाएं। कैमरास जो थे, कैमरास को संभालना पड़ता था, क्योंकि आज तो डिजिटल ने सारी ज़िंदगी, हर घर में कैमरास आ गए हैं। उन दिनों कहीं पे कैमरा नहीं होता था, ना तो मोबाइल थे ना कोई कैमरा था, और उन दिनों पे आपको यही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था कैमरा के साथ साथ कि मेरे रोल ख़त्म नहीं हो जाएं।
सर कोई ऐसा टूर हमारे साथ साझा कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जिसमें आपको सीखने को कुछ मिला। मैम वैसे तो बहुत सारे टूर हैं, जैसे कारगिल में था, कारगिल में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके साथ एक डोडा में एक जगह है दड़काई, जहाँ पे डफ एंड डम है और पूरा विलेज जो है वहाँ पे सारे गूंगे बहरे लोग हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे जो नई जनरेशन आती है तो वो उनके घर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं उसको, और वो सेलिब्रेट करते हैं कुछ जैसे 20 दिन के बाद, और उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा ठीक है या नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। तो वो कैसे चेक करते हैं उसको कि जैसे बच्चा दूध पी रहा था तो वो एक बंदा साथ में बिसल करेगा ज़ोर से, और जैसे वो बिसल करते हैं अगर तो बच्चा डर गया, दैट मीन्स कि वो ठीक है। अगर नहीं उसने कोई रिस्पांस किया तो वो बच्चा जो है वो डिफेंडर है। तो वो मैंने एक स्टोरी आइडिया अपने बॉसेस के साथ शेयर किया था तो उन्होंने बोला कुछ दिन रिस्पांस नहीं दिया, तो उसके बाद मुझे बोलते कि ये स्टोरी हम दिल्ली से भी टीम आएगी तो हम टीवी के लिए भी करेंगे। तो जैसे हम दड़काई पहुँचे मैम तो पहले बहुत ज़्यादा पहाड़ों के ऊपर पैदल चलना था, तो जो दिल्ली वाली टीम थी वो तो पहुँच नहीं पाई, और मुझे तो वो मछली की आँख दिख रही थी सामने पिक्चर्स, और आधा दोपहर हो चुका था, आधा दिन हो चुका था। तो जैसे वहाँ पे पहुँचा और वो स्टोरी शूट की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत अच्छी स्टोरी थी। और दूसरे दिन जैसे वापस आके हमने वो स्टोरी फाइल की और दुनिया भर से वो ईमेल्स और कॉल आए कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, वी वांट मोर इन्फॉर्मेशन, वी वांट टू डू स्पेशल स्टोरी, और बहुत अच्छी और बहुत अच्छा वो टाइम था। एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको काम करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मैम वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस हिंदुस्तान टाइम और बीबीसी वगैरह में रहा तो वो मेरा बहुत अच्छा टाइम था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखने के साथ साथ बहुत कुछ हमें अपने लिए मिला, और उससे अच्छा टाइम कोई नहीं था। सर एज अ फोटो जर्नलिस्ट आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तब के टाइम को और आज के टाइम को? मैम सबसे पहले तो जो पहले लोग थे बहुत कम थे, और लोग कम होने के साथ साथ जो लोग थे वो डिसिप्लिन लोग थे, और आज का ऐसा टाइम आ गया है जिसमें हम अपने आप को लॉस फील करते हैं। और आज बहुत रश हो गया, बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट बन गए हैं, और ना उनमें प्रोफेशनलिज्म है ना वो काम जानते हैं, बस वो उनको एक ही चीज़ चाहिए, मीडिया का कार्ड। आखिरी सवाल, फैमिली का कैसा रिस्पांस रहा आपके साथ? मैम बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जब मैं बैचलर था तो पैसे वैसे होते नहीं थे, तो मैंने जो कैमरा लिया था पहला, मैंने अपनी मदर से पैसे लिए थे तो उन्होंने मुझे कैमरा लेके दिया। और उसके बाद जैसे 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 टाइम बदलता गया तो फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया, और सबसे बड़ी कि मुझे एक इम्पोर्टेंट फील करवाते थे कि तुम हमारी फैमिली में एक स्पेशल हो, और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम था, और फैमिली ने मेरा साथ दिया और पहले भी दिया और आज भी दे रहे हैं। सर जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फोटो जर्नलिस्ट मुकेश गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी जीवन की यादों को हमारे साथ साझा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।